नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पश्चिमी विक्षोभ दिलाएगा झुलसाती गर्मी से राहत, दिल्ली सहित कई राज्यों में लू की संभावना। पीएनबी घोटाला मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता, काहिरा से मुंबई लाया गया नीरव मोदी का साथी सुभाष शंकर। सत्ता संभालने के बाद बतौर पीएम शहबाज शरीफ के सामने होगी 3 बड़ी चुनौतियां। डिग्रियां देने में देर करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों से यूजीसी नाराज, कार्रवाई की दी चेतावनी। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करेंगे भारत और अमेरिका, इसके जरिए एक दूसरे के सैटेलाइट की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। लखनऊ में सीडीआरआई की तकनीकी अधिकारी का शव कार में मिला, पुलिस को सूचना देकर पति फरार। योगी सरकार 2.0 के लिए पीएम मोदी ने दिया मंत्र, अमित शाह संग नए प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन पर मंथन। सीएम योगी की एक और बड़ी कार्रवाई, यौन शोषण में फंसे डिप्टी एसपी नवनीत नायक को किया सेवा से बर्खास्त। अलीगढ़ में कार निकालने को भाजपा कार्यकर्ता से पुलिस की नोकझोंक, सिपाही पर रुपए मांगने का आरोप। मेरठ और सहारनपुर में एमएलसी चुनाव की मतगणना 9 अप्रैल को हुई थी वोटिंग। जंग में हथियार के रूप में बलात्कार का इस्तेमाल कर रहे रूसी सैनिक, यूक्रेनी मानवाधिकार समूह का दावा। टू प्लस टू मंत्री स्तरीय वार्ता में अमेरिका ने की भारत से अपील, रूस के साथ बड़े हथियारों के सौदे से करे परहेज। डॉलर की बढ़ती कीमतों को लेकर श्रीलंकाई पीएम ने जनता के प्रदर्शन को ठहराया जिम्मेदार, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद और भड़के लोग। रूस समर्थक अलगाववादियों ने किया दावा, यूक्रेन के मारियुपोल बंदरगाह पर हमारा कब्जा। महारानी एलिजाबेथ ने कोविड-19 अनुभव को किया बयां, कहा यह बहुत थका देता है। सनराइजर्स हैदराबाद से हारने के बाद हार्दिक पांड्या ने बताया मैच में हुई चूक। हैदराबाद ने रोका गुजरात का विजयी रथ, हासिल की सीजन की दूसरी जीत। हैदराबाद ने गुजरात का विजयी रथ रोका, पूरन ने धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर दिलाई जीत। हार्दिक ने बनाई 50 तो छोड़ दूंगा नौकरी, फिर पांड्या ने जोड़ा अर्धशतक, वायरल हुआ पोस्टर। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को लेकर मोहम्मद आमिर ने जारी किया बयान, मैं अभी के लिए क्रिकेट से दूर जा रहा हूं, कही बड़ी बात। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आत्माराम भिड़े, कभी दुबई में करते थे नौकरी। सुभाष घई का खुलासा, दिसंबर 2020 में रणबीर और आलिया की शादी धूमधाम से करने वाले थे ऋषि कपूर। नीतू कपूर से रणबीर की शादी के सवाल पर पैपराजी पर भड़की नागिन 6 फेम तेजस्वी प्रकाश, दे डाली धमकी।
सोनू निगम ने द कश्मीर फाइल्स को अब तक ना देखने के पीछे की बताई बड़ी वजह, कहा मैं इस तरह के सभी अपराधों के प्रति संवेदनशील हूं। जैकी भगनानी के जेजस्ट म्यूजिक ने वॉर्नर म्यूजिक इंडियन से मिलाया हाथ, भारतीय कलाकारों को देंगे गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।